आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, 1 जनवरी 2022 से जीएसटी का पूरा लॉ चेंज हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए एक नोटिफिकेशन नंबर आई है 39 नंबर 21 दिसंबर को, और ये नोटिफिकेशन क्या कहती है कि 1 जनवरी 2022 से कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे जो कि हमारे फाइनेंस एक्ट 2021 ने दिए थे। उनमें से कुछ सेक्शन, कुछ सेक्शन कौन से, सेक्शन 108, सेक्शन 109, 113 से लेकर 122 तक ये इन्फोर्स हो जाएंगे। कब से लेकर? 1 जनवरी 2022 से। अब ये सेक्शन कहते क्या है, इस बात को जरा समझ लो, क्या क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है इस वीडियो में जरा समझ लो कि क्या कहते हैं ये सेक्शन। तो चलिए हम अपने फाइनेंस एक्ट को ओपन करते हैं। जैसे ही हम अपना फाइनेंस एक्ट खोलते हैं, इसमें सेक्शन क्या कहता है, देखिए इस बात को आपको समझना है। ये फाइनेंस एक्ट आया था हमारा फरवरी 2021 में फाइनेंस एक्ट आया, और इसके बाद इन्होंने सारे सेक्शंस को यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इसमें से कुछ सेक्शंस को नोटिफाई नहीं करा। इन्होंने कहा कि कुछ सेक्शन को नोटिफाई करेंगे फ्यूचर डेट से, और अब इन्होंने कहा वो फ्यूचर डेट आ गई, 1 जनवरी 2022 से उन सेक्शंस को करेंगे। अगर आपको इन सेक्शन की डिटेल चाहिए तो जिन लोगों ने हमारी मैगजीन ले रखी है, जो हमारे मैगजीन के सब्सक्राइबर हैं, तो फरवरी 2021 की पुरानी मैगजीन खोलकर देख लो। फरवरी 2021 की मैगजीन के अंदर हमने पूरा फाइनेंस एक्ट 2021 को डिकोड करा था, वो हमारी स्पेशल बजट मैगजीन थी। सर हम अब क्या करें, हमने तो मैगजीन अभी से ली है, तो आप टेंशन मत लो। जिन लोगों ने अभी से मैगजीन ली है उनके लिए हमने क्या करने की सोची है कि ये जो हमारा जनवरी 2022 का एडिशन आ रहा है उसमें एक समराइज फॉर्म में ये सारे सेक्शंस दे दें, जिससे कि आपको पता लग जाए क्या सेक्शन थे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि क्या हम सारे सेक्शन जनवरी 2022 की मैगजीन में दोबारा से दे दें, या आप हमारी फरवरी 21 की मैगजीन ले लोगे, उसी से सफिशियंट हो जाएगा। चलिए वीडियो में बात करते हैं कौन कौन से सेक्शन इफेक्टिव हुए। सबसे ज़्यादा दो सेक्शनों पर इम्पैक्ट हुआ है। पहली बात इन्होंने क्या बोला है, सेक्शन 109 के बारे में। इन्होंने बोला सेक्शन 109 1 जनवरी 2022 से आ जाएगा। सेक्शन 109 क्या कहता था कि सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट कर दो, अमेंडमेंट करके ना जो आईटीसी लेने की कंडीशन है ना, उस कंडीशन को और सख्त कर दो, एक नई क्लोज इंसर्ट कर दो, डबल ए क्लोज। अब ये क्लोज क्या कहती है, इस बात को समझना। इस क्लोज ने ये बोला है कि भाई द डिटेल ऑफ इनवॉइस, जो आपके पास इनवॉइस होते हैं फिजिकल कॉपी में, आप उसका आईटीसी ले लेते थे, चाहे सप्लायर ने डाले हो या ना डाले हो। मतलब कि रूल 36(4) भी लगा देते थे तो आप 105% आईटीसी ले लेते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, इसके अंदर एक नई क्लोज डालकर क्या कह दिया कि अगर सप्लायर ने कोई बिल अपलोड करा है, ठीक है ना, तभी आप उसका आईटीसी लोगे, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जो आपके बिल 2B के अंदर आ जाएंगे उनका ही आपको आईटीसी मिलेगा। अगर आपने उसके अलावा कोई भी आईटीसी लिया तो आपने वॉयलेशन कर दिया सेक्शन 16 का, और सेक्शन 16 का वॉयलेशन कर दिया मतलब कि आईटीसी के नियमों का वॉयलेशन कर दिया। इस वाली क्लोज को हमने एग्जाम्पल सहित बताया था अपनी फरवरी की मैगजीन में। अगर आप कहते हो तो जनवरी 2021 में हम डाल देंगे, क्या आपने हमारा सैंपल कॉपी चेक करी या नहीं करी, तो हमारे जो नंबर दिए जा रहे हैं ना स्क्रीन पर, इन पर ना व्हाट्सअप डालकर कहो भाई सैंपल कॉपी दो, सैंपल कॉपी दो। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपको एक चीज़ और आपके लिए खुशखबरी ये है कि मैगजीन खरीदने का ना सही टाइम है ये। क्यों सही टाइम है भैया, हमारी कंपनी ने क्या करा है, 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2022 तक डिस्काउंट निकाल दिया, और डिस्काउंट भी कितना, 10% का डिस्काउंट निकाल दिया सारे के सारे प्लान्स पर, चाहे आपका 1 साल का प्लान है, चाहे 2 साल का, चाहे 3 साल का प्लान है। तो आप क्या करें, बड़ा सा बड़ा प्लान ले और अपना डिस्काउंट में महा ऑफर का बचत ले, जिससे कि आपको सारी चीजें टाइम से मिलती रहे। हाँ, हम इसके अंदर देंगे बिल्कुल। अब इसके अंदर और क्या चीज कही है, एक और इंपॉर्टेंट क्लोज के बारे में मैं आपको बताता हूं जो कि आपको परेशान कर सकती है। ये है अमेंडमेंट इन सेक्शन 75। अब ये जो अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 75 में, ये भी 1 जनवरी से इंप्लीमेंट हो रही है। क्या हो रही है 1 जनवरी से इंप्लीमेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन में। ये हमारी नोटिफिकेशन क्या कह रही है, 113 से लेकर 122 तक के सेक्शन हम आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कब से, 1 जनवरी से। तो 114 नंबर सेक्शन भी इसी में आ जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा। इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट किया, कहा गया फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन सेल्फ असेस्ड टैक्स, कि इन्होंने सेल्फ असेस्ड टैक्स की डेफिनेशन को बढ़ा दिया, शैल इंक्लूड द टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश अंडर सेक्शन 37 बट नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन 39। एग्जाम्पल के साथ समझ रहे कहना क्या चाहते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं कि भाई आपने अपनी GSTR 1 में आपकी 50,000 की सेल थी, लेकिन गलती से आपने इसे 50 लाख की डाल दी,
ऐसा हो सकता है ना, GSTR1 में आप गलती कर देते हो। हाँ सर, गलती कर देते हैं। तो अगर आपने अपनी GSTR1 में 50,000 की सेल को 50 लाख की डाल दिया और 3B में आपने 50,000 पे ही टैक्स दिया, तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, अगले महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अपनी GSTR1 को अमेंड कर देते हो। ऐसा ही करते हो या नहीं करते? हाँ सर, ऐसा ही करते। अब ऐसा नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों नहीं कर पाओगे? इन्होंने क्या लिखा है कि अगर आपकी GSTR1 की लाइबिलिटी ज्यादा है 3B से, अगर आपकी GSTR1 की लाइबिलिटी है 3B से ज्यादा, तो हम उसे क्या मान लेंगे? सेल्फ असेस लाइबिलिटी मान लेंगे, उसे सेल्फ असेस टैक्स मान लेंगे। और जैसे ही हमने उसे सेल्फ असेस टैक्स माना, तो हम रिकवरी शुरू कर देंगे। और रिकवरी भी कैसे शुरू कर देंगे? बिना नोटिस दिए। तो ये बात इन्होंने कही है। तो भाई अब अगर ऐसा हो गया, तो जिस भी अकाउंटेंट ने GSTR1 गलत फाइल करी, अगले महीने रिकवरी शुरू हो जाएगी, उसका बैंक अकाउंट अटैच हो जाएगा, उसको नोटिस आ जाएगा, उसके डेटर्स को नोटिस आ जाएगा। तो भाई अब 1 जनवरी से ना आप हल्के में काम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते 3B मैं फाइल कर देता हूँ, GSTR1 में कुछ नहीं होता, तुम फाइल कर दो, ऐसा मत बोल देना। अगर किसी व्यक्ति ने GSTR1 फाइल कर दी गलत और उसमें टैक्स लाइबिलिटी है 3B से ज़्यादा, तो तुरंत आपके ऊपर रिकवरी शुरू हो जाएगी। ये 3 महीने 6 महीने का वेट नहीं करेंगे। ये सेक्शन गलत है या सही मुझे नहीं पता, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। लेकिन उन्होंने क्या करा, GSTR1 को इतना वेटेज दे दिया, इतना वेटेज दे दिया कि भाई आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पर अब आपको GSTR1 और 3B को बिल्कुल ठीक ठीक फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो रिकवरी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ना, जैसे ये तो मैंने 2 सेक्शन बताए, एक तो ITC लेने की कंडीशन और एक ही अगर आपने GSTR1 गलत करी, तो ये ना कई सारे सेक्शन, अगर मैं बात करूँ अमेंडमेंट इन सेक्शन 129, अपील के सेक्शन, ये जितने भी सेक्शंस हैं, ये सारे के सारे इन्होंने चेंज कर दिए। आपको कहाँ से मिलेंगे सारे सेक्शंस? दोबारा बता रहा हूँ कि या तो आपने हमारी फरवरी की मैगजीन लियो, फरवरी 2021 की, उसे पढ़ लो, कंप्लीट काम हो जाएगा। लेकिन आपने अगर मैगजीन सब्सक्रिप्शन अभी लिया है, तो आप क्या करना, जनवरी 2022 की मैगजीन पढ़ लेना, उससे भी आपका काम हो जाएगा। सैंपल मैगजीन अगर आपको अभी तक नहीं मिली है, तो ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, इन नंबर पे इन्हें परेशान कर दो व्हाट्सअप कर करके, सैंपल मैगजीन दो, सैंपल मैगजीन दो। और अगर आपको लगता है कि ये मैगजीन अच्छी है, तो आप इन्हें सब्सक्राइब करा लो अभी डिस्काउंट रेट में। सर इस संडे को क्या प्रोग्राम है? भैया इस संडे को हमारा प्रोग्राम क्या है, हमारा प्रोग्राम है भाई इनकम टैक्स वेबिनार। इनकम टैक्स का वेबिनार करेंगे इतनी सारी चीज़ों को बताते हुए। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन करा लो। सर क्या GSTR 9 और 9C की डेट बढ़ेगी? भाई कुछ नहीं कह सकते बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो भाई अब रात दिन लगकर काम करना लग जाओ, 31 तारीख लास्ट डेट है। सर इनकम टैक्स की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? भाई कुछ नहीं कह सकते बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन काम करते रहो, ठीक है ना, काम करते रहो। 1 जनवरी से तो वैसे ही टेंशन शुरू हो जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारा लॉ चेंज हो जाने वाला है। तो 31 दिसंबर तक पहले अपना सारा काम ये फिनिश कर लो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मैगजीन का ऑफर अभी ले लीजिए। बाद में मत कहना सर डिस्काउंट नहीं मिला। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।